सबसे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज ताले बड़ी जोर से बजे के चाहिए। ये उत्तर प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। विश्व में पहला नाम किसी मुख्यमंत्री का लोगों ने जाना है तो बाबा का नाम जाना है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए सर। छठ माँ सबसे बड़ा पर्व, ये चमचमाता हुआ घट जिन्होंने कलयुग में त्रेता को उतार दिया हो, अयोध्या में 24 लाख से ज्यादा दीपक जला करते गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम लिखाया हो, माननीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अखिल भारतीय भोजपुरी समाज दिल से स्वागत। ताली भाई क्रम बजलिया। लगातार दूसरी बार सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के 29 राज्यों के अलावा विश्व में पहली बार लोगों ने किसी मुख्यमंत्री का नाम जाना है तो बाबा का नाम जाना है, इसलिए तालियां बजनी चाहिए। आज ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आपका दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। और महाराज जी का शासन प्रशासन अनुशासन अपराध मुक्त भय मुक्त समाज उत्तर प्रदेश को जो आपने दिया है उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आज ये अखिल भारतीय भोजपुरी समाज सर आपका दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। मैं सबसे पहले चाहूंगा, कार्यक्रम व्यस्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बहुत कीमती है, तो अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की जो एक परंपरा है सबसे पहले मैं चाहूंगा वेद प्रकाश राय सर जी से कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रभुनाथ राय जी लगातार 40 वर्षों से छठ पूजा करके आज अपना अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से भाई थपड़ी में कमी ना रहे के चाहिए, ताली में कमी ना रहे के चाहिए। उत्तर प्रदेश को सजाने संवारने में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अपना काम किया है ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय, बहुत जोरदार ताली और थपड़ी बजा करके अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का ये स्वागत करता है, सम्मान करता है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज। और हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा साहब का भी आगमन हो चुका है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे नगर निगम की प्रथम मेयर सुषमा खरगवाल जी भी आ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है, तालियां बजनी चाहिए। अर्पणा यादव भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं, भाजपा नेत्री, ये सबका स्वागत है आज इस अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के शानदार मंच पर। और सौभाग्य हम लोगों का कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चौथी बार एक बार सभी अतिथियों के लिए जो हमारे मंच पर है, बहुत जोरदार ताली बजनी चाहिए आपकी, बहुत जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये पूरा विश्व देख रहा है आपको, पूरा विश्व देख रहा है छठ पूजा को, और ये छठ पूजा का जो घाट चमचमा रहा है उसको चमचमाने में सबसे बड़ी भूमिका जी जी। और इसके बाद में चाहूंगा अपने सुरेश शुक्ला जी एक स्वागत गीत 60 में संक्षेप में, जैसे मुंबई से चल के हमारे कलाकार आए हैं, सुरेश शुक्ला जी चलिए भाई बिना समय को व्यर्थ किए, सुरेश शुक्ला जी स्वागत जी, हनुमान यादव जी। तब तक मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार तालियां बजाइएगा, स्वागत भाषण के लिए मैं बुलाने जाऊंगा सब, स्वागत भाषण 2 मिनट, माननीय प्रभुनाथ राय जी स्वागत भाषण, जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपकी, आइए। आप सबके बीच में आज के माननीय मुख्यमंत्री, आज के मुख्य अतिथि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार आशीर्वाद इस समाज के, इस भोजपुरी समाज के छठ भाई के कृपा से आपके लगातार आगमन हमेशा होता अपने मंच पर, आपके चाहे वो राजस्थान में रही, चाहे मथुरा में रही, चाहे कहीं रही, हमनी के बीच में यहाँ का निरंतर जब से यहाँ का मुख्यमंत्री बनल बानी, हमने एक जन कहा था नहीं रुआ, सब जोरदार थपरी बजा के यहाँ का स्वागत करें। हमने के भोजपुरी में थपरी जो माँ बहुत बड़हन सम्मान है, स्वागत है, सारे लोग नाच गा के और छठ पूजा और अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के द्वारा 39वां छठ पूजा के आयोजन हम सबके अपने मंच पर जे जे बैठल बा, मैं सबके अभिनंदन कर चाहता नहीं। हमारे लखनऊ के महापौर सुषमा खरगवाल जी रात 2 बजे यहाँ का मिलन रही, यहाँ छठ पूजा घूमे, यहाँ का देखत रही,
बहुत ही ऊर्जावान हमारे मुख्य सचिव साहब दुर्गा शंकर मिश्रा जी, वहाँ के लगातार कार्यक्रम और बहुत ही माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश बा, वो आदेश के पूरे प्रदेश में फैलावे के और वो के क्रियान्वयन करावे खातिर यहाँ का निरंतर अपने ऊर्जा के सारा उपयोग इस प्रदेश के विकास में लगावते रही, बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय विधायक हमारे जोगेश शुक्ला जी, हमारे भोजपुरी समाज में सबके और गृह से लेके और सभी हमारे संजय प्रसाद साहब जो है, जो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त करके बढ़िया अच्छा से अच्छा, तो हम रउरा सबके भी और परम पूज्य महाराज जी के भी हम बहुत अभिनंदन कर चाहब, हम दोनों आदमी के कि दोनों आदमी के हमेशा आशीर्वाद हमनी पर बना रहे, ताकि ये लगातार ये कार्यक्रम होत रहे। अभी कल माननीय मुख्यमंत्री जी छठ पूजा के बारे में वहाँ का पूरा प्रदेश में कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसके बाद सारे अधिकारियों के कि छठ पूजा में कोनो प्रकार के कोनो कोताही ना होके भव्य और दिव्य बनावे खातिर हर जिला में पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के नेतृत्व में तहसील स्तर पर जहां पर भी छठ पूजा मनावल जाए भव्य कार्यक्रम कल जा, एकरे खातिर वहां का आदेश कल बानी, एकरे खातिर रउरा सब धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी भोजपुरी समाज के तरफ से कि वहां का ऐसा आदेश, चाहे वो भोजपुरी के छठ पूजा होके, चाहे वो दीपावली उत्सव होके, दीपावली उत्सव होके, चाहे होली होके, चाहे कोनो त्यौहार होके, सारे त्यौहार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जे विरोध करत रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के या भाजपा के, कमल के फूल डबल और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आप सब बनौली, और देश में माननीय मोदी जी के रउरा सब मुख्यमंत्री बनौली।